Hi friends, this is Shoaib Anjum. Today I am going to teach you phrasal verbs with take. I'll show you meaning of phrasal verbs. Phrasal verb kya hota hai? Phrasal verb ek verb hota hai jiske baad koi preposition istemal hota hai aur un dono se milkar wo verb banta hai. First phrasal verb hai take off. Take off ka matlab hota hai to remove. Matlab nikalna. जुमले में इसका इस्तेमाल देखेंगे. ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतार दिए. टेक ऑफ का एक और मीनिंग है टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन फ्लाइट, मतलब उड़ान भरना, उड़ान शुरू करना. द प्लेन विल टेक ऑफ इन 2 आवर्स, हवाई जहाज 2 घंटों में उड़ेगी. सेकंड फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर. टेक आफ्टर का मतलब है टू रिसेम्बल, मतलब किसी के जैसा दिखना. एग्जाम्पल है शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ के जैसी लगती है, वो अपनी माँ की तरह दिखती है. थर्ड फ्रेजल वर्ब है टेक केयर. टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना. एग्जाम्पल ही टेक्स केयर ऑफ हिज ओल्ड मदर, वो अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता है. अगला फ्रेजल वर्ब है टेक बैक. टेक बैक मतलब वापस लेना. आई टेक बैक माई वर्ड्स, मतलब मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक अप. टेक अप का मीनिंग है टू ऑक्यूपाई टाइम एंड स्पेस, मतलब कोई जगह ले लेना, कोई चीज जो हम कहीं पर रखे हुए हैं वो कितनी जगह ले रही है वो बताने के लिए टेक अप इस्तेमाल करेंगे. या किसी काम में, किसी एक्टिविटी में हमारा कितना वक्त लगा, उस एक्टिविटी ने हमारा कितना टाइम लिया, उसके लिए हम यूज करेंगे टेक अप. जैसे द बुक्स ऑन फाइनेंस टेक अप 3 शेल्व्स, मतलब फाइनेंस पर जो बुक्स हैं वो 3 तख्तों पर 3 शेल्व्स पर रखी हुई हैं, 3 शेल्व्स की जगह घेरी हुई है वो. सेकंड एग्जाम्पल है All my time is taken up with looking after the kids. मतलब मेरा सारा वक्त बच्चों की देखभाल में चला जाता है, इस्तेमाल हो जाता है. Next phrasal verb, take out. Take out मतलब निकालना. Example, take out the book from your bag. अपने बस्ते से किताब निकालो. Last phrasal verb, take के साथ जो है वो है take over. Take over means to adopt a further responsibility or duty. मतलब कोई जिम्मेदारी उठाना, कोई जॉब इख्तियार करना. एग्जाम्पल है ही विल टेक ओवर द जॉब परमानेंटली व्हेन द अकाउंटेंट रिटायर्स, मतलब जब अकाउंटेंट रिटायर हो जाएगा तो वो जॉब को परमानेंटली ले लेगा, परमानेंटली वो उस जॉब को करेगा.